नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है चाचा चौधरी का धमाका। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है चाचा चौधरी का धमाका। चाचा जी, ट्रक के टायर बहुत घिस चुके हैं, हवा अपने डबल भरवा ली है, कहीं टायर ब्रश ना हो जाए। कोई बात नहीं प्यारे, जोखम मोल लेना अपनी आदत बन गई है। अच्छा भाई, अब मैं चलूं। और चाचा चौधरी को का ट्रक हवा से बातें करने लगा। आज दिवाली है, भगवान ने साड़ी लाने को कहा था, साबू के लिए मिठाई लेनी होगी और दीपू के लिए पटाखे। रुको रुको, अरे ये लोग क्या चाहते हैं? चाचा जी, झटको बदमाश ने हमें लूट लिया। कैसे? वो हमें पटाखों का मुकाबला करने के लिए उकसाता है, जिसका जोर का धमाका हो वो 1,000 रुपया जीत जाए। एक एक करके हम सब हजारों रुपए उसके आगे हार गए हैं। अब हम मिठाई और सामान किन पैसों से लेकर घर जाएंगे? क्यों रे झटकू, फिर तूने लोगों को ठगना शुरू कर दिया, चल लौटा इनके पैसे। चाचा जी, शर्त से मैंने पैसे जीते हैं, अभी देखना मेरे एटम बम का धमाका। भड़ाम, इससे जोर का धमाका करके दिखा दो तो मैं इनके पैसे लौटा दूंगा। देखो झटकू, मुझे चैलेंज मत करो। अरे जा जा, मुझसे बड़ा एटम बम आज तक। कड़म, अरे झटकू कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ, मुझे निकालो, मैं सबके पैसे लौटा दूंगा। झटकू को बाहर निकाला जाता है। ये लो रुपए, सब बांट लो। इतने जोर का धमाका मेरे दादा परदादा ने भी नहीं सुनी होगी। वाह चाचा जी, कमाल कर दिया, लेकिन इतना बड़ा पटाखा आप लाए कहाँ से? वो पटाखा नहीं था, मेरे ट्रक का टायर ब्रस्ट हुआ था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है भैंस की दवाई। चाचा जी, आपके हाथ में क्या है? साबू, ये कुछ हाजमे की गोलियाँ है जो मैंने जड़ी बूटी से बनाई है। साबू, मेरे पतंग एक ऊंचे खंभे पर अटक गई है, जरा छुड़ा देना। चाचा जी, मैं दीपू की पतंग छुड़ा कर आता हूँ। अरे लुंगड़ी दास, कहो कैसे हो? चाचा जी, कुछ मत पूछिए, हालत बहुत पतली है। घप्पू की शादी में दावत खाने गया था, वहाँ पर इतना खा लिया कि बदहजमी हो गई और पेट में बिगुल बजने लगे। लो हाजमे की गोली खा लो और आगे से मुफ्त का माल सोच समझ कर खाया करो। अरे वाह, गोली खाते ही मेरा पेट एकदम ठीक हो गया। मेरी एक और समस्या है, मेरी भैंस को मलेरिया हो गया है, कोई दवा दे दीजिए। ये लो इसकी दवा, ये बहुत कड़वी होती है पर तुम्हारी भैंस ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी भैंस बड़ी नखरे करती है, वो ये कड़वा गोला खाएगी कैसे? आसान तरीका है, दवाई के गोले को पहले खोखले बांस में रखो, फिर बांस का एक सिरा भैंस के मुंह में रखो और दूसरे सिर से फूंक मारो गोला भैंस के पेट में। वाह, मैं ये बांस ले जाता हूँ, भैंस को दवाई खिलाने के बाद मैं इसे लौटा दूंगा। काफ़ी देर हो गई, लुंगड़ी दास बांस लौटाने नहीं आया, जाकर देखूँ। लुंगड़ी दास, तुम्हारी ये हालत? मैंने पुनैन का गोला बांस में रखकर उसका एक सिरा भैंस के मुंह में रखा था, बांस के दूसरे सिरे से मैं फूंक मारना ही चाहता था कि भैंस ने पहले फूंक मार दी और गोला मेरे पेट में चला गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है अफ्रीका की यात्रा। अफ्रीका के कुछ प्रतिष्ठित नेता चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, हम आपको अफ्रीका आने का निमंत्रण देने आए हैं, वहाँ घूमने की मेरी भी बड़ी इच्छा थी, हम वहाँ ज़रूर आएंगे। ये लीजिए आपके लिए हवाई जहाज़ के टिकट। धन्यवाद, हम अपने छोटे से स्टीमर में ही सफ़र करेंगे। मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि समुद्री यात्रा खतरों से खाली नहीं, खतरों से खेलना तो हमारी आदत बन गई है। आओ भाई टिंगू मास्टर और साबू, तुम्हें अफ्रीका घुमा लाएं। टिंगू मास्टर और चाचा को लिए स्टीमर चल देता है। चाचा जी, साबू नहीं दिखाई दे रहा है, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तभी ओह, ये क्या चाचा जी? टिंगू मास्टर, लगता है समुद्र में तूफान आ गया है। बाप रे चाचा जी, लगता है समुद्र में ही हम दफन हो जाएंगे।
धीरज रखो, घबराहट में मुसीबत दुगुनी हो जाती है। लो तूफान खत्म हो गया, पर चाचा जी साबू कहाँ चला गया? लगता है टेंगू मास्टर तूफान ने साबू को कहीं दूर पटक दिया है। घबराओ मत, वो बड़ी हिम्मत वाला आदमी है। लो खाई से निकले तो कुएं में गिरे, वेल मछली हमें निगलने को आ रही है। टेंगू मास्टर तू जरा मेरी पगड़ी संभाल और मेरी लठ मुझे दे, यहाँ तलवार और बंदूक से कुछ नहीं हो सकता, लठ क्या करेगा? तू देखता रह, मैं अभी आया। और चाचा चौधरी पानी में छलांग लगा देते हैं और वो सीधा जा करके अपने लठ को वेल के जबड़े में फंसा देते हैं। अब वो मुंह बंद नहीं कर सकती, ना ही यह हमें निगल सकती है। वाह क्या तरकीब निकाली है, लो साबु भी आ गया। वो देखो टेंगू मास्टर, मुझे ज़मीन दिखाई दी, लगता है हम अफ्रीका पहुंच गए हैं। चाचा जी हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं आया। तभी टन, ओह लो हो गया स्वागत। अरे यहाँ ऐशो आराम की उम्मीद मत रखो, यहाँ पग पग पर जोखम है। जंगल इतने घने हैं कि दिखाई ही नहीं देता कि पाँव कहाँ पड़ रहा है। अरे साबू अपना हाथ हटा ले, मेरे साथ मस्खरी ना कर। हैं गोरीला बचाओ! साबू जल्दी से आकर गोरीले को पकड़ देता है। घबराकर गोरिल्ला टेंगू को छोड़ देता है। धम, चल हट, आओ आगे बढ़ें। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर ओह, चाचा जी साबू के पैरों में एक पैरों को एक बड़े अजगर ने जकड़ लिया है। तुम आगे मत जाना, नहीं तो अजगर तुम्हें साबू से निगल जाएगा। जल्दी से जेब से माचिस निकालो। चाचा चौधरी आग जलाता है, आग की गर्मी से ये अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। साबू को छोड़कर अजगर भाग खड़ा हुआ। याद रखो आग से जंगल के सारे जीव जंतु डरते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दिल का मामला। मिस नालिका मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मिस नालिका मुझसे शादी करेगी। ओह मिस्टर टोंक झोंक, मैं तुम दोनों में से एक के साथ ही शादी कर सकती हूँ। कल तुम दोनों में से जो पहले मेरे घर पहुँचेगा मैं उसी के साथ शादी करूँगी। दूसरे दिन, अभी तो झोंक सोकर भी नहीं उठा होगा, मैं पहले ही नातिका के घर पहुंच जाता हूँ। ओह दिन इतना चढ़ गया है कि और मैं अभी तक सो ही रहा हूँ। मुझे जल्दी करना चाहिए। झोंक मैं पैदल और तुम कार में, ये बेइंसाफी है। टोंक जंग और मोहब्बत में सब जायज है। ओह नहीं, अरे टोंक क्यों उदास बैठा है? मेरे साथ बेइंसाफी हुई है। मिस नातिका ने कहा था कि मेरे और झोंक दोनों में से जो पहले उसके घर पहुंचेगा वो उसी के साथ शादी करेगी। मैं पैदल हूँ और झोंक अपनी कार से दौड़ रहा है। फिक्र ना करो साबू, टोंक झोंक से पहले नातिका के घर पहुंचना चाहिए। और साबू उसे अपने गुलेल में फिट करता है और गुलेल से उसे छोड़ देता है। सर्राट, धप, नहीं ये बेइंसाफी है, जंग और मोहब्बत में सब जायज है। चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कड़ाकेदार संगीत। कहो चाचा जी क्या सुनेंगे, ढुमरी या दादरा? साबू ढुमरी सुनाओ। कड़ाक, अरे ओ बैजू बावरे की औलाद, बंद कर ये गाना, तेरी कर्कश आवाज ने खिड़की के शीशे तोड़ दिए। चाची, साबू यहाँ हमारे संगीत का कदरदान कहाँ, आओ कहीं और चलें। काफ़ी चल लिए लेकिन अभी तक कोई संगीत प्रशंसक नहीं मिला, दूर से कोई आ रहा है। हमारे राजा बासुक को संगीत का बहुत शौक है, तुम राजमहल चलो और राजा को कुछ सुनाओ। लेकिन तुम्हारी महल की खिड़कियाँ शीशे की तो नहीं है? नहीं, पूरा राजमहल पत्थर का बना है। लेकिन तो फिर चलो। राजा बासुक, महाराज लीजिए पानी का गिलास। जाओ मंत्री, कड़ाक, नालायक तुम्हारी कर्कश आवाज़ ने मेरा गिलास तोड़ दिया, इस गुस्ताखी के लिए क्यों ना हम तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाए। ठहरिए महाराज, आपका गिलास टूटने से जो पानी गिरा है उसे बिल्ली पी रही है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, और देखिए वो पानी पीते ही बिल्ली ने दम तोड़ दिया। अगर ये पानी पीते तो आपका भी यही हाल होता, पानी में जहर मिला था। मक्कार मंत्री मुझे मारकर खुद राज्य हड़पना चाहता था, इसे ले जाओ और गोली से उड़ा दो। तो
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साजिश। एक दिन साबू, हम शहर से काफ़ी दूर निकल आए हैं। हाँ चाचा जी, हाँ चाचा जी, लंबी सैर तंदुरुस्ती के लिए अच्छी होती है। तभी बचाओ बचाओ, ये आवाज़। चाचा जी, ये आवाज़ उस मकान से आ रही है, बचाओ, लगता है कोई मुसीबत में है, साबू आओ। अंदर तो कोई नज़र नहीं आ रहा, बचाओ, आवाज़ इधर से आ रही है। अरे टेप रिकॉर्डर प्लेयर, किसी ने हमारे साथ चाल चली है। बाहर निकलने का दरवाज़ा बंद हो गया है, हम अंदर घिर गए हैं। चाचा चौधरी, आज तुम, साबू और रॉकेट तीनों मेरे जाल में फंस गए। मैं इस मकान में आग लगाने जा रहा हूँ और तुम सब इस मकान के साथ ही जलकर राख राख के ढेर हो जाओगे। ये डाकू गोबर सिंह की आवाज़ है। चौधरी, देखा, आखिर जीत मेरी हुई। ओ, घना धुआं भर गया है, लपटें अंदर आ रही है। अगर मैं इस दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हुआ तो बचने की उम्मीद है। और साबू ने अपनी भरपूर ताकत से जो दरवाजे को धक्का दिया तो कर, ओ बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टींगो मास्टर की पतंग। क्यों भाई टींगो मास्टर, आज उदास क्यों बैठा है? मैं एक बढ़िया पतंग लाया हूँ, कल्लू पहलवान ने मुझे स्पेशल मांझा दिया, पर किस काम का? पतंग उड़ाने के लिए हवा ही नहीं है, हवा भी आ जाती है, इसमें उदास होने की क्या बात है? साबू, जरा दो चार फूंके मारना। फूं, वाह, जरा एक और जोर की फूंक मारो ताकि पतंग और ऊंची चली जाए। फूं, ओह, अरे साबू, तुमने ये क्या किया? इतने जोर से फूंक मार दी कि पतंग के साथ पतंगबाज भी उड़ गया। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। अरे, जब तक मैं इस डोर को नहीं छोड़ता, उड़ता ही चला जाऊंगा। एक जगह, कंबख्त, तो तुम्हारी लापरवाही से इस हमने बलि के लिए जो आदमी तैयार किया था भाग गया। तभी धड़ाम, वाह, हमारे देवता ने बलि के लिए दूसरा आदमी भेज दिया है। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मरना। देवता के लिए बलिदान देना गर्व की बात होती है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अरे मोटे, तू ही अपनी बलि क्यों नहीं दे देता? तभी, अरे ये क्या, पीछे हट जाओ। चलो टिंगू मास्टर, चाचा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लो चाचा जी, आपका आदमी हाजिर है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का चांटा। खट्टू, लो संभालो इसे। फटाक, अरे रुंतू, मेरी गर्दन में बल पड़ गया। घपटू, मेरी तरफ देखो, मैं सीधा नहीं देख सकता, मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई है, गर्दन सीधी नहीं हो रही है। घपटू, और अगर साबू तुझे सीधे हाथ का एक चांटा मार दे तो तेरी गर्दन पहले जैसी सीधी हो सकती है। आओ साबू के पास चले। चाचा चौधरी, एक मिनट रुकना। साबू, ये रुल्लू क्यों भागा आ रहा है? चाचा चौधरी, साबू से कहो कि घपटू को सीधे हाथ का एक चांटा मार दे। क्यों, घपटू ने क्या कसूर किया है? कुछ नहीं, जब उसका कोई कसूर नहीं है तो फिर साबू उसे चांटा क्यों मारे? साबू, चलो चले, ऐसे काम नहीं बनेगा। घपटू, ये ले पत्थर, पूरे जोर से साबू पर दे मार, जब उसे गुस्सा आएगा तो वो तुझे चांटा जरूर रसीद करेगा। ये गया पत्थर, टन। चूहे, तुमने मुझे पत्थर मारा, ले अब मेरे चांटे का स्वाद चख, इसी का मुझे इंतजार था। तड़ाक, ओह, ये तो और भी बुरा हुआ, मेरी गर्दन में और भी बल पड़ गए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है फिल्मी होर्डिंग। चाचा जी, जरा साबू को इधर भेजिए। क्यों भाई जंकू, क्या बात है? उस बड़ी दीवार पर वो होर्डिंग लगाना है, मेरा हाथ ऊपर नहीं पहुंच रहा है। साबू से कहें कि दो चार किल गाड़ दें। ये काम साबू से ना करवाओ तो अच्छा है। फायर ब्रिगेड वालों से लंबी सीढ़ी लाओ और खुद किले ठोक लो। वो इतना भी नहीं कर सकता तो इतना लंबा चौड़ा शरीर किस काम का? झनको, इधर ना हथौड़ा, दो चार नहीं, जितने कहे मैं किले ठोक देता हूँ। और किल ठुकते ही तड़ाक, हैं, उसका हाथ पड़ते ही दीवार टूट गई। मैंने तो तुम्हें कहा था कि ये काम साबू से मत करवाओ। चाचा जी, झनको की दीवार टूटने का मुझे बहुत अफसोस है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मुझे तो पता था कि जब तुम किल ठोकने के लिए हथौड़ा मारोगे तो दीवार ढह जाएगी। कुछ दूर टोपन एवं मोटन केले खा रहे थे। यार मोटन, अगर हम केले के छिलके सड़क पर रख दें और जिसका पैर इस पर पड़ेगा वो धड़ाम से गिरेगा, वाह, मजा आ जाएगा।
तो मैंने छिलके सड़क पर रख दिए हैं, अब एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखो। अरे वो बूढ़ा तो एक तरफ से निकल गया, वो चाचा चौधरी है, उसे चकमा देना आसान नहीं, लेकिन उसके पीछे से साबू बुद्धू आता होगा। वाह, साबू का पैर केले के छिलके पर पड़ रहा है, अब तमाशा देखना, साबू फिसलता है। अरे मोटन बचो, वो हमारे ऊपर आ रहा है, बचाओ बचाओ। पहले ये बताओ वे केले के छिलके किसने रखे थे? हमने ही, हमें माफ कर दो। जाओ, फिर कभी ऐसी शैतानी ना करना। याद रखो, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है घपलू का पेट। अरे घपलू तुम इधर। चाचा जी मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, इसे कम करने का कोई तरीका बताइए। पेट में जब गैस बहुत बनती है तो पेट फूल जाता है। साबू अपने पैर से घपलू का पेट थोड़ा कम कर दो। तैयार हो? हाँ। ओह साबू, तुम अपना पैर कुछ ज्यादा ही दबा दिया, पेट पिचक कर पापड़ बन गया। फिक्र ना करो घपलू, जब दोबारा गैस भर जाएगी पेट में तो फिर से अपने आकार में आ जाएगा। चलो अब पेट में गैस भरने का कोई यत्न किया जाए। और गैस भरते ही चाचा जी बचाओ। अरे ये तो घपलू है। घपलू ये कैसे हुआ? चाचा जी मैंने सोचा जब पेट में गैस ही भरनी है तो क्यों ना गुब्बारे वाले से भरवा ली जाए। साबू एक कांटे से घपलू के पेट में छेद कर दो, जब गैस निकलनी शुरू होगी तो घपलू नीचे आने लगेगा। ठीक है, टेप से वो छेद बंद कर देना चाहिए, कहीं सारी गैस ना निकल जाए। धन्यवाद, अब मेरा पेट बिल्कुल ठीक आकार में है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विश्व की खूबसूरत महिला। चाचा चौधरी आपका ही नाम है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं विश्व की खूबसूरत महिलाओं की मलिका हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए पेरिस से चलकर आई हूँ। मर गए, एक खूबसूरत महिलाओं की मलिका तो मेरे साथ ही शादी करना क्यों चाहती है? क्योंकि हमारे जो बच्चे होंगे उनमें तुम्हारे जैसे कंप्यूटर से तेज चलने वाले दिमाग और मेरे जैसे अद्वितीय खूबसूरती होगी। अगर उल्टा हो गया तो उन बच्चों में मेरी जैसी शक्ल और तुम्हारी जैसी अक्ल आ गई तो ये मोटी औरत कहाँ से अटपकी? ये मेरी बीबी है और इसके हाथ में एक बहुत ही खतरनाक हथियार है, भागो बचाओ। भगवान, तुमने इतने जोर से बेलन नहीं मारना चाहिए था। अरे ये कौन है? ये बेवकूफ़ मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे इससे बचाओ। लगता है आज शादियों का तगड़ा मुहूर्त निकला है। क्यों भाई, तुम इसके साथ जबरदस्ती शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं बेवकूफों का बादशाह चुना गया हूं, और बादशाह की मलिका के साथ शादी नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? बादशाह सलामत, जरा ठहरिए, मैं दूसरी मलिका को लाता हूँ, आज आपकी शादी रचाकर ही चैन से बैठेंगे। लीजिए दूसरी मलिका आ गई, आप शादी करेंगे? जरूर करूंगा, लेकिन ये किसकी मलिका है? दुनिया के तमाम बदसूरतों की, बचाओ। चलो एक शादी तो टली। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का निशाना। चाचा आज मैं देखना चाहता हूँ कि आपका निशाना कितना सही है। आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए, मैं इन लकड़ी के खंभों में से एक को छड़ी से खटखटाऊंगा, आप आवाज़ सुनकर निशाना लगाइए। ठीक है साबू, मैं कोशिश करूंगा। खटखट फटा, वाह चाचा जी निशाना बिल्कुल अचूक लगा है। साबू अब तुम किसी दूसरे खंबे को खटखटाओ। बस वो आखिरी निशाना था। कौन? मैं गोगो, तुम्हें अपने पैरों तले कुचलने आ रहा हूं। मोटे कद्दू तेरी ये हिम्मत? साबू रुको, गोगा से मैं खुद ही निपट लूंगा। चौधरी मेरा पैर तुम्हें कुचलने आ रहा है, गोगा की आवाज इधर से आई थी। खप, अरे ये तो डाकू गोबर सिंह है। भागो, डाकू गोबर सिंह इस हवा भरे रबड़ के पुतले में से और अंदर से इस लाउड स्पीकर से बोलता था, जिससे लगता था कि गोगा बोल रहा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू की परेशानी। चाचा जी आज आज बड़ी ही परेशानी आ गई है, जहाँ भी मैं गया गालियाँ सुनने को मिली। अच्छा ये सब कैसे हुआ साबू? मैंने जिस चीज़ का भला किया, जिस चीज़ को मुसीबत से छुड़ाया, उसी ने मुझे धक्के देकर भगा दिया। आज सवेरे ही जब मैं बाजार में घूम रहा था कि मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ पड़ी। अरे ये तो किसी महिला के रोने की आवाज़ लगती है। मैंने मैं
आवाज़ यहीं से आ रही है। लगता है पति पत्नी में झगड़ा हो गया है। पति उसे मार रहा होगा। मुझे महिला को बचाना चाहिए। क्यों भाई, एक अबला को क्यों मार रहा है? जरा बाहर निकल और किसी मर्द से दो दो हाथ करके देख, फिर देखो तेरी हिम्मत। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति बाहर निकलता है। अबे लंबू, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। जिसे तू रोना समझ रहा है वो मेरी पत्नी का गाना है, जो रोज़ सुबह संगीत का अभ्यास करती है। अब बताओ चाचा जी, मेरा क्या कसूर था? उसके रोने और गाने में कोई फर्क ही नहीं था। साबू, ये तो बड़ी मज़ेदार घटना है। उसके बाद फिर मैं आगे चल दिया, तभी मैंने देखा, बचाओ बचाओ, मार दो इसे, जान से ख़त्म कर दो। अरे बजदूलो, अकेले को चार मार रहे हो? मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। अरे बाप रे, भागो, ये पहलवान बीच में कहाँ से आ टपका? तुम नहीं भाग सकते, मैं तुम्हें यही मसल दूंगा। अबे वो लंबू के बच्चे, तूने सारा गुड़ गोबर कर दिया। ये असली घटना नहीं, फिल्मी शूटिंग है। हमारे हीरो ने आकर उसे बचाना था। अब दफा हो जाओ यहाँ से। फिल्म की शूटिंग? माफ़ करना डायरेक्टर साहब, गलती हो गई। लो, मैं आपके एक्टर को छोड़ देता हूँ। इस तरह वहाँ से भी धक्के खाकर भागना पड़ा। कोई बात नहीं साबू, ज़िंदगी में कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी की गुलेल। अरे आज सवेरे ही सवेरे गुलेल लेकर कहाँ चले? खेत में चिड़ियों को उड़ाने जा रहा हूँ। हैस हैस, चिड़िया मेरे खेत से उड़ जाओ। पासी के शहर में एक बैंक में डकैती। जल्दी करो, नोटों के बॉक्स कार में रखो। और मिनटों में ही डाकू फरार हो गए। रफ्तार और तेज करो। फ्लाइक स्क्वाड के पुलिस दस्ते को वायरलेस में सूचना मिलती है, उस कार का पीछा करो और तेज, डाकू भागने ना पाए। पुलिस की जीप हमारा पीछा कर रही है, कोई परवाह नहीं, मैं अभी अपनी निशानेबाजी का चमत्कार दिखाता हूँ। ठाएं, गोली जीप के टायर में लगती है, वो फट जाता है। जीप को छोड़ो और पैदल ही डाकुओं का पीछा करो। अब वे हमें क्या पकड़ेंगे, अब तो हम शहर से दूर खेतों की तरफ आ गए हैं। तभी चाचा चौधरी अपने गुलेल घुमाता है, पत्थर सनसनाता हुआ छोड़ता है। हस, चिड़ियों उड़ जाओ। धनाता पत्थर कार ड्राइवर की खोपड़ी पर लगता है, वह संतुलन खो बैठता है। आह, और कार ब्रेक से टकराती है। ओह, मारे गए, ठक। अरे भाई भागो, भागने की हिम्मत नहीं, मेरी तो टांग ही टूट गई है। पकड़ लो इन सब बदमाशों को। चाचा जी, ये डाकू 10 लाख रुपए बैंक से उड़ाकर भाग रहे थे। आपके गुलेल ना होती तो हम इन्हें पकड़ नहीं सकते थे। अरे भाई, मैं तो अपने खेत में चिड़िया उड़ा रहा था, क्या पता था कि गुलेल ये कमाल दिखाएगी। तो इसी के साथ चाचा चौधरी की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो और कॉमिक्स कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।